हाँ जी आ देखो, अज हुण मैं आ सिल्क थ्रेड ना सोनू आरी वर्क कर रहा दस रही हाँ। मतलब मैं नहीं कह रही, मैं सिखा रही हाँ, क्योंकि मैनू खुद नू ही इन्ना हजे नहीं आउंदा, बट मैं जिहड़ा एक्सपीरियंस किया है ना वो तुहानू मैं दस रही हाँ। पहले इधर आपां गंढ, जिवें हर एक नू पता ही है नॉर्मली आपां गंढ किवें देनी है। कपड़ा भी मैं लैता बैलवाट दा, बाकी मैनू ज़्यादा तो नहीं मैं दस सकती, बस जिन्ना क मैं एक्सपीरियंस किया है ना उन्ना क दस सकती हूँ। थोड़ी जी मैनू गंढ पाउणी औखी लगी, ज़्यादा भी नहीं आपां कह सकते, मतलब कि थोड़ी थोड़ी औखी लगी। ये बच्चा जेड़ा आप, हाँ जी, ये पता की होंगे जदों आपू वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली गल तो आप हाथ गिले नहीं रखने, हाथ आप सुके रखने हैं। फिर जी अपनी आरी होंगी कई बार पसीना वगैरह आ जाता होंगे, वो पासे पासे आप इदा का धागा लपेट सकते हैं कोई भी, है ना, जब फैविकोल ला लो पहला, फिर बाद धागा लपेट लो। मैं वैसे नॉर्मली लपेटिया। ये कीरा जो आप सीखते हैं ना उदो आप थोड़ी जी प्रॉब्लम आती है, बाकी बाद नहीं आती। जो आप इनू आरी वर्क आप करते हैं, ठीक है, उदो ये मैं तो इन्ना की सीख्या भी कह सकती, एक्सपीरियंस भी किया है ना। मैं शूट वर्क किया अपना, मैं एक्सपीरियंस ये चीज़ की आ भी जो आप देखो, पहला मैनू आरी आती नहीं सी जमा भी चलाउणी, मैं एक दो वीडियो देखी है, फिर मैं गौर की भी यह आरी कहें घुमानी पैंती है, भी घुमानी किदा। पहला आप ध्यान देखो, नीचे वाला धागा अपना हाथ से फड़िया होया, यदा जो आरी का मूँह आ ये आप अपने तो दूसरी तरफ रखना है, ठीक है, दूसरी तरफ रख के घुमा के फिर आप नीचे तो हाथ घुमा गा, नीचे तो हाथ घुमा के आप फिर इनू आप उपर खिंचन की कोशिश करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं होंदा भी आप एक बार च सीख जाएंगे, एक दिन तक की होया जो मैं वर्क कर रही थी ना धागा निकल गया सारा ही। कई कहते भी आरी मतलब सिल्क थ्रेड फट जाता है ना, नहीं फटता है, तुसी एक बार ध्यान नाल करो। देखो सही आ रहा है ना, मैं भी कोई ज़्यादा आई नहीं हैगी, मैंने बहुत टाइम का काम आता नहीं, मैंने थोड़ा थोड़े दिन ही होए आ सीखी नूं। हुण मेरे कोल इत्थे इक कारीगर सीगा, मैं कारीगर की हैल्प लै लैनी हुंदी आ, जे उह तों को मैनू नहीं समझ आउंदा तां मैं उह तों पुछ लैनी हुंदी आ। देखो पहलां जदों आपां इहनूं स्टार्ट करना, ठीक है, इहदे विच हुंदा इक तां आरी हुंदी है जिहड़ी आरी, हाँ सच, एक ये भी मैं फेस की सी प्रॉब्लम, जिहड़ी आपां नवीं आरी लैंदे आ ना उहदे नाल कदे भी ये थ्रैड का वर्क नहीं होगा, वो तुहाडे तों होगा जरी का। जदों आपां नवीं आरी लैंदे आ, नवीं आरी लैके पहला जरी का वर्क करो, उस तो बाद एक ही आरी लाओ जिहड़ी आ थ्रैड के वर्क नूं लाउणी है। आपां एक रील नाल आपां एक आरी ला सकते, ज़्यादा नहीं ला सकते, जिवें हुण इहनूं आपां छड्डिया आपां उहदे नाल होर ना वर्क कर लिया, नहीं वह नहीं करना, आपां सिर्फ एक ही आरी लाउणी आ, एक आरी नाल ही आपां करना गा, ज़्यादा आपां नहीं करना भी जिवें हुण इहनूं आपां छड्ड के आपां होर धागा चक लो, वह नहीं आपां चकना, बस इहदे नाल ही करना। इस आरी नाल ही अपने मोती भी पै जाते होंगे, इस आरी नाल ही अपना कट दाना पै जाता। पहला एक बार जो आपू आरी वधिया तरीके चलाउनी आ गई, फिर आप दूसरी आरी लै सकते होंगे, वह ज़्यादा नाजुक होंगी है, वो सिर्फ मोती तो कट दाना ही पैंता, बाकी स्टिच वगैरह पत्ती वगैरह तो आप ये ही भर सकते होंगे, वह तो जो अपना हाथ पूरा वधिया चलन लग गया आप फिर कर सकते हैं। देखो